Hey guys, good morning. मेरी good morning अभी हो रही है. You can see the time. Like 11:45 हो चुका है. मैं अभी उठ रही हूँ. ये इसलिए लेट हो गया ना, बहुत ज़्यादा लेट इसलिए हो गया क्योंकि कल ट्रिप्स करके बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, तो मैं सोई थी. अभी थकान ठीक हुई है और अब मुझे धोने हैं इतने सारे कपड़े. बस ट्रिप के बाद आपको भी बताऊँ कितने कपड़े हो जाते हैं. मैं दिखाती हूँ, पूरा ढेरा लगा हुआ है कपड़ों का. ये देखो, पूरा ऐसा ढेरा लगा हुआ है कपड़ों का. मम्मी ने भी तो मेरी सुबह से उठी है और अपने कपड़े अपने धो दिए. मम्मी मेरे कपड़े धो दिए सारे. ये मेरी मम्मी ने धो के टांग दिए. बोल रहा है, बोलो बोलो. आज सब जगह धुआं है. हाँ हाँ, सब जगह धुआं है. हाँ, मगर आज हम कहीं नहीं जा सकते, आज धुआं है ना. सो गाइस, हम मैं इन कपड़ों की कार्रवाई शुरू करती हूँ, धोना शुरू करती हूँ, बिकॉज काफी टाइम लगने वाला है इन कपड़ों को धोना, फिर टंगाना, फिर मुझे नहाना, पृथ्वी को भी नहलाना. तो बहुत टाइम लगने वाला है आज इसी काम में, पूरा दिन इसी काम में जाने वाला है. फिर करेंगे हम अपना खाना पीना. सो मम्मी, आप दे क्या के प्रसाद? प्रसाद दे के आएगी, मैं प्रसाद खा भी रही हूँ. और ये क्या लिया? अखबार. अखबार अभी बहुत जन को देना है, मेरे वहाँ अखबार नहीं है. तो अखबार लेके आया प्रसाद देने के लिए? अखबार मांग के लाई वहाँ से. तो गई सब मंदिर गए थे, प्रसाद देना पड़ता है ना, दिया बनाने के लिए ना. वो हमारे घर में अखबार नहीं था, पेपर नहीं है. मम्मी, पेपर बंद कर दिया मैंने. अखबार ही नहीं है, मांग के लग रहे अखबार और प्रसाद देने के लिए. अभी पानी भी तो नहीं आ रहा है. आप पानी नहीं आ रहा है तो पानी तो आ रहा था, लाइट नहीं है. हाँ, लाइट नहीं है और पानी नहीं आ रहा. आज कोई काम नहीं है, वैसे धूप में बैठे हुए हैं. धूप से बस हमने ब्रेकफास्ट कर रखा है. छत में भी पानी नहीं है. अच्छा, छत में भी पानी. टैंकी पानी, वॉशरूम जाने के लिए पानी नहीं है. खाना बनाने के लिए, बनाने के लिए है. बनाने के लिए तो खिचड़ी बनाएंगे, नहीं होगा तो फिर. हाँ, खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, इजीली हो जाता है. पानी भी कम लगता है, यही करना पड़ेगा. दो लोटा तो हो ही जाएगा. दो लोटा तो है ही यार पानी, मतलब खिचड़ी बनाने के लिए हो जाएगा. और हम लोग ऐसे ही बैठे हैं और वेट करें, जब पानी आएगा फिर करेंगे और काम. और आज मौसम इतना सही हो रहा है ना, पूरी धूप ही धूप है. आप देख लो, पूरी धूप ही धूप हो रही है. बहुत ही अच्छा मौसम है. लग ही नहीं रहा कि दिसंबर का महीना चल रहा होगा. मुझे तो लग रहा है ऐसे अगस्त का महीना चल रहा होगा. और हम यहाँ बैठ के धूप सेकते हैं जब तक पानी नहीं आता. पानी का इंतज़ार, मतलब लाइट का इंतज़ार करते हैं, फिर नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होंगे, फिर करेंगे और काम. ऐसे ही आप लोग के साथ भी होता होगा, सेम चीज़. बताइएगा कमेंट सेक्शन में. सो गाइस, आज से बच्चों के स्कूल के एडमिशन फॉर्म निकलने लग गए, तो मैंने भी पृथ्वी का एडमिशन फॉर्म भर दिए हैं. एंड पृथ्वी से बोला स्कूल जाना है, तो पृथ्वी का देखो हाल. पृथ्वी स्कूल जाना है? स्कूल जाना. सो गाइस, मम्मी ने बना दी है खिचड़ी. यू कैन सी खिचड़ी इज रेडी, जिसमें अब मैंने सैलेड और अचार भी डाल दिया. मैं मम्मी को देने जा रही हूँ. अब ये खा रहा अपनी खिचड़ी. आपने आपको इसको वीडियो में भी खेलना है. आपको खिचड़ी अच्छी लगती है? बताना कैसी बनी, नानी ने बनाई है. ठीक है, कैसी है? सो गाइस, मैं अभी सो के ही उठ रही हूँ. मम्मी मेरे से बोली मेरे साथ चल ले, मेरे साथ चल ले. कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हमने अपनी मंजिल की तलाश में. सब्जी लेने मंजिल की तलाश में? क्या सब्जी खाओगे शाम को? सब्जी लेने जा रहे हैं. हाँ, सब्जी लेने जा रहे हैं. यहाँ पे सब्जियाँ मार्केट लगती है, जैसे मंडे लगती है, ट्यूसडे लगती है. ट्यूसडे भी लगती है? ट्यूसडे भी लगती है. वेनसडे भी लगती है. आज वेनसडे, तो हम सब्जी लेने जा रहे हैं. वहाँ फ्रेश सब्जियाँ तो मिलती है, साथ में सस्ती भी मिलती है. तो जहाँ हम रहते हैं उससे थोड़ा दूर पड़ता है, तो हम ऑटो में नहीं जाएंगे, पैदल ही जाएंगे. भी खाना बहुत ज़्यादा खा लिया ना, थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाएगा. खाना का डाइजेशन करना है. हाँ, पच भी जाएगा. तो वहाँ तक मैं घूम के आती हूँ और आपको भी दिखा दूँ किस तरीके की सब्जी मार्केट लगती है. सब्जी मार्केट तो है ही, साथ में बहुत सारी और चीज़ें भी मिलती है. सो गाइस, हमें यहाँ से वो मार्केट पहुँचने में कितना टाइम लगता है मम्मी? आधा घंटा लगेगा. हमारे आधा घंटे की वॉक भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा. मम्मी भी लग रही है तेज या तेज, मैं भी चल रही हूँ. तो गाइस, ये दिख रही होगी आपको, यही है सब्जी मार्केट. इसके अंदर हम एंटर करेंगे आगे से. सो यहाँ पे सब्जियाँ भी मिलती है और कपड़े वपड़े खाने का सामान भी मिलता है. तो आगे से एंटर करना होता है, तो मम्मी और मैं आगे से जाएंगे. तो खाने लिए हाँ, यहाँ से एंटर करना है हमको. तो यहाँ से एंटर कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. तो गाइस, देख सकते हैं नज़ारा कैसा लग रहा होगा मेले टाइम. पूरा ऐसा मेला टाइप आ जाता, पूरा हल्द्वानी है वेनसडे को सब्जियाँ लेने. तो गाइस, एक बार यहाँ पे अगर खो गए ना तो मिलने की नहीं है. मैं मम्मी को ढूंढ रही हूँ, मम्मी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है. तो यहाँ पे खो भी जाते हैं ऐसे. चलो मम्मी, मम्मी जलेबी खाओगे? घर ले जाएंगे गरम 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 गरम.
गाइस फाइनली हमारा हाथ भर गया है, मेरी मम्मी ने भी बैग पकड़ा है, मेरा भी बैग फुल हो चुका है और हमारा हो चुका है सब्जियों की खरीदारी। अब ऑटो के लिए वेट कर रहे हैं, देन फिर घर निकलते हैं। ऑटो जब आएगा, और बिकॉज देखो रोड में भी ऐसी भीड़ लगी हुई है, तो ऑटो के लिए वेट करना पड़ेगा। देन ऑटो आएगा, उसमें बैठेंगे और इतना भारी सामान लेके हम लोग जाएंगे। मम्मी के हाथ में भी इतना भारी हो गया है, मेरे को बहुत भारी होगा ये। बस एक हफ्ते से भी कम चलता है, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते से ज़्यादा चल जाता है, फिर आना पड़ता है। तो गाइस हम ऑटो से उतर गए हैं, अब ये हमारा रास्ता दिख रहा है, अब इस रास्ते से हम जाएंगे। अब मम्मी को समझ नहीं आ रहा कैसे जाता है ये सामान। अब मम्मी तो गाइस मेरा बच्चा मेरे रास्ते पे ही बैठा था, सोया था, तो जब मैं गई थी और अभी से टू टू कर रहा है टू टू, अब मैं रास्ते में अड़ गई। मम्मी ले जाए इतने भारी बैग को, यार इतना भारी बैग है, देख लो गाइस इतना भारी बैग है, मेरे तो हाथ में निशान पड़ गए हैं, निशान पड़ गए, देख सकते हो आप निशान पड़ गए मेरे। मेरा बच्चा देखो, बाबू क्या खा रहे हो मेरे चुना क्रीम रोली। सो गाइस आज मैं अपनी मम्मी को नई सब्जी खिलाने जा रही हूँ, वो है दिस सोया चाप, यू कैन सी ये है सोया चाप। जिन लोगों ने सोया चाप देखी नहीं है, इस तरीके के सोया चाप होते हैं, ऐसे आइसक्रीम स्टिक में ऐसे लंबे लंबे होते हैं, इन्हें कट करना पड़ता है, देन डीप फ्राई एंड आगे का प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है इनकी सब्जी। तो मम्मी देख लो इस तरीके के होते हैं, पहले फ्राई करते हैं फिर इनको काटते हैं, नहीं पहले काटते हैं फिर फ्राई करते हैं। हाँ आप मेरा देख लेना। तो ये है सोया चाप और इनकी सब्जी बनती है बहुत ही, ये जो नॉनवेज, तो नॉनवेज में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, बट वेज में वेज का नॉनवेज माना जाता है ये, इसमें क्योंकि बहुत अच्छा प्रोटीन भी होता है, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और दिखने में इस तरीके की लगती है। तो अब मैं शुरू कर दिया है, गैस में रख दी है मैंने कढ़ाई और बनाना मैं शुरू करती हूँ। इन्हें धोना पड़ता है, पहले धोती हूँ फिर करती हूँ। सो गाइज यू कैन सी सोया चाप बनने ही वाली है, दिख रही होगी आपको शक्ल, इस तरीके की शक्ल बनी है। अब इसे गार्निशिंग करनी है विद धनिया, देन आई विल शो यू द फाइनल लुक कैसा दिख रहा है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि कैसा लगेगा मेरी मम्मी को भाई को, वो उसके लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज ये मेरा पूरा बन चुका है, मैं फाइनली इसमें गार्निशिंग कर रही हूँ विद धनिया। यू कैन सी ये धनिया मैंने काट दिया है, हरा हरा धनिया, धनिया से तो मम्मी आप रायता में भी डालोगे ना, ये मेरी। तो गाइस मेरी सोया चाप बन गई है, मैंने दिखा दिया, गार्निशिंग भी कर दी है मैंने धनिया से, और मम्मी बोल रही है मेरे को खा, मैं भी खा लेती हूँ फिर मैं बाद में, अभी मेरी मम्मी बोल रही है मैं अभी खा लेती हूँ और बताती हूँ कैसा बना है। तो मम्मी को मैं ऐसा बाउल में साफ करके दे रही हूँ और देखते हैं मम्मी को कैसी लगती है, क्या लग रहा है कैसी बनी होगी। ये कर दी मैंने साफ, अच्छा आप पे रिव्यू कर दो, ऑडियंस जानना चाहती है कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ। पहले मेरा गैस थोड़ा सा क्लीन करने दी अपने मेरे गैस को। अरे मम्मी खा लो यार, गरम गरम जल्दी 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 आए जल्दी, कैसा बना जाके देखो बताओ और मुझे कैसा बना। ग्रेवी ग्रेवी कैसी लग रही, लग तो रहा नहीं मम्मी को अच्छा लग रहा होगा, कैसा लग रहा मम्मी, ठीक लग रहा, इतना अच्छा नहीं है, अभी टुकड़े तो खाए नहीं है, खाओ ना ठीक है क्या, ग्रेवी पे खा ली है, टुकड़े खाओ, पूरा खा लो पूरा फूफ करके, गरम हो रहा है ना बहुत। अच्छा लग रहा है, अब तो दोनों एक साथ खाओ ना, ये ग्रेवी अभी थोड़ा ठंडा होगा तो पूरी ग्रेवी पे लटपट हो जाएगी। तो मम्मी आप क्या बोलना चाहोगे, मैं कैसी कुक हूं, बढ़िया अच्छी कुक, अरे मैं तो बहुत अच्छी कुक, शादी से पहले तो रोटी सब्जी बनाना कुछ भी नहीं आता था भाई, शादी के बाद सब सीख जाते हैं, शादी के बाद तो सब सीख जाते हैं, और बच्चा होने के बाद और ज्यादा आ जाता है ना, मम्मी के घर में तो कुछ नहीं सीखा जाता है, हाँ सास के घर में जाने के बाद सब कुछ आ जाता है, पति के घर में जाने के बाद, सबके साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ ही, मैं ही स्पेशल नहीं हूँ, सभी सबके साथ ही ऐसे ही होता है। मम्मी के मतलब मेरी सोया चाप मम्मी को अच्छी लगी है और मम्मी और खाना चाहेगी दोबारा बना के, वो मम्मी मुझे खिलाएगी, अब मैं नहीं खिलाऊंगी मम्मी को, अब मम्मी को मैं बता दूंगी रेसिपी और मम्मी बना के खिलाएगी। आ रहा ये देख लो, ये मम्मी का है यम्मी। चलो गाइस मम्मी को तो अच्छा लग गया, फिर बाद में देखते हैं और भाई बहनों को कैसा लगता है। ये मेरा भाई आ गया, ये मोटा सा देख लो पीछे से दिख रहा है।